प्रीतिबाद, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज जो तीसरा दिन है और आज भी ये जारी रहेगी। प्रदेश के 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी कांग्रेस सरकार को चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। और रायपुर में ही 350 से अधिक संविदा अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं और कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे कोरोना काल में जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। नियमितीकरण नहीं होने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने जेल भरो आंदोलन और भूख हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आज जो तीसरा दिन है और तीन दिन से कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि ये प्रदर्शन और मांग यूं ही जारी है, आखिर क्यों किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही है? एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का आज भी हड़ताल का तीसरा दिन है और आज भी उनका हड़ताल जारी है। लॉकडाउन से पहले जो है उनका हड़ताल जारी है। अब राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन होने हैं और ऐसे में अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि राजधानी रायपुर में ही आज रात 9 बजे से लॉकडाउन जो है वो जारी हो जाएगा। राजधानी रायपुर के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी कुछ दिनों पहले के साथ ही आज जो है लॉकडाउन होगा। इसके साथ ही तमाम प्रदर्शनकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। ऐसे में एस्मा भी लगा हुआ है और एस्मे के दौरान भी जो है आवश्यक सेवाएं बाधित होती है तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। और स्वास्थ्य कर्मियों का ये भी कहना है कि यदि प्रशासन उन पर किसी तरह की कार्रवाई करती है तो वो जेल जाने को अगर मजबूर होते हैं तो वो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और इसके साथ ही भूख हड़ताल भी करेंगे। संविदा कर्मचारियों की काफी समय से ये मांग है कि सरकार जो है वो नियमितीकरण का वादा किया है वो पूरा करे, क्योंकि वो जो है वो स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान को हथेली में रखकर दिन रात ड्यूटी करते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी शिकायत के ड्यूटी करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उन पर उन्हें जो है तमाम सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल पाती है। जिस तरह से एहतियात बरतने चाहिए, उस एहतियात बरतने के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, पीपी किट जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती उन्हें, उसके बावजूद भी वो दिन रात जुटे हुए होते हैं। और अगर ऐसे में वो अपने जीवन को दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं तो उनका ये मानना है कि हम जब अपने जीवन को दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं तो हमें संविदा क्यों रखा गया है, हमारी नियमितीकरण क्यों नहीं होती है, क्योंकि कल के दिन उनका मानना है कि कल के दिन अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार की जिम्मेदारी। घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया था और 10 दिन का समय दिया गया था कि अगर सरकार बनती है तो 10 दिन के अंदर नियमितीकरण कर दी जाएगी, जिसके बाद अब इतना वक्त हो चुका है, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है जब ये लोग हड़ताल कर रहे हैं तो? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। टीएस बाबा जो है स्वास्थ्य मंत्री, वो लगातार इनसे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी कोरोना काल है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है और ऐसे में हड़ताल ना करें। उन्हें बार बार समझाइश दी जा रही है लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मी मानने को ही तैयार नहीं है। स्वास्थ्य जो मंत्री है वो लगातार उन्हें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हड़ताल मत कीजिए, अभी कोरोना का काल है, आपकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी। लेकिन वो स्वास्थ्य कर्मी ये चाहते हैं कि कब तक हमारा नियमितीकरण होगा, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोरोना काल में जो है ये तो मुश्किल है लेकिन अभी जैसे कि तिथि निर्धारित हो जाए उनके नियमितीकरण की, ये सब उनकी जो मांगे हैं वो उन्होंने मुख्यमंत्री समेत स्वास्थ्य मंत्री से भी कही थी। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और इसके बाद भी किसी तरह की कोई एक्शन है वो नहीं लिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है उनके निर्णय पर। इसी वजह से संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो है वो हड़ताल पर गए हैं और आज उनके हड़ताल का तीसरा दिन है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि उनका हड़ताल जो है वो कब तक जारी रहता है और कब तक उनकी मांगे पूरी होती है, क्योंकि अब लॉकडाउन भी लगने वाला है तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है कि लॉकडाउन में इस तरह का प्रदर्शन जो है वो नहीं किया जा सकता। और सुप्रिया, दूसरी तरफ लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं में भी काफी कमी देखी जा रही है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो स्वास्थ्य कर्मी है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कितनी कमी अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की तो?
स्वास्थ्य सेवाओं की छत्तीसगढ़ में बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी है। इसी वजह से ही सभी मरीजों को जो है होम आइसोलेट किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की जो कमी है वो ना हो। इसके साथ ही तमाम मरीजों को ऑनलाइन भी जो है मतलब होम आइसोलेशन में जब मरीज रहते हैं तो उन्हें ऑनलाइन भी जो है एहतियात बरतने के निर्देश दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है, उनके तक पीपीई किट पहुँचाया जाता है और ऑनलाइन जो डॉक्टर है वो उनसे सलाह देते हैं कि इस तरह जो है आप घर पर रहें और यदि ज्यादा ही इमरजेंसी होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो भी कर दी गई है। तमाम सामाजिक संस्थाएं भी इस मदद के लिए आगे आ रही है और उनके द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाती है। इसके साथ ही तमाम जो अगर व्यवस्थाओं की कमी होती है, मरीज ज्यादा बढ़ते हैं और खासकर गंभीर मरीज अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए भी सामाजिक संस्थाओं का जो योगदान है वो भी वो दे रहे हैं और अपने अपने जो क्षेत्र है जैसे कि वहां कोई फ्लैट देना चाहता है, कोई किसी भी तरह के जो क्षेत्र है, हॉस्टल है या कोई भी रहता है वहां पर तो उसे भी वो जो है कोविड के मरीजों के लिए देने देने चाहते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। सुप्रिया, मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन भी होने वाला है और स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठे। आप देखते हैं आगे किस तरह की स्थिति बनती है, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और